हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और हम लोग इतने स्माइल कर रहे होंगे। तो आप लोगों की बार बार कमेंट आ रही थी कि कोटी बताओ, कोटी बताओ, कोटी की स्टिचिंग और कटिंग बताइए। तो हम लोगों ने आज इसी टॉपिक पर वीडियो बनाई है। तो आज हम आपको पहले कोटी की कटिंग बताएंगे, उसके बाद स्टिचिंग बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें और मस्त रहें। तो फ्रेंड, हमने इस कोटी के लिए सेलेक्ट किया है रेड कलर का कपड़ा, क्योंकि रेड कलर की कोटी बहुत ही अच्छी लगती है। तो पहले आप लोग इसका नाप देख लीजिए, हम आपको नाप दिखा दे रहे हैं। तो सीना हमारा है 30 इंची का और लंबाई इसकी 14 है और कमर पर है हमारा है 27 और कंधा की चौड़ाई है वो है 13 इंची। तो ये रहा हमारा नाप, इसी के अकॉर्डिंग हमें बनानी है कोटी। तो फ्रेंड, इसी तरीके से आपको इसे दो पार्ट में बिछा लेना है इसी तरीके से। उसके बाद हम इसकी फिगर की, सबसे पहले फिगर की चौड़ाई नापेंगे। उसके लिए हमारा 30 इंची था तो उसका हाफ होता है 15। तो पहले 15 निशान लगाएंगे और देखिए कपड़ा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस तरफ हमें 1.5 इंची रखना है एक्स्ट्रा और इस तरफ भी 1.5 इंची एक्स्ट्रा रखना। तो इतना आ रहा है, हमारा कपड़ा बिल्कुल फिक्स है पहले से ही। तो फिर इसकी लेंथ हमारी थी 14 इंची, तो हम 14 इंची पे निशान लगाएंगे। इसमें मार्जिन के लिए 1 इंची ऊपर और 1 इंची इस साइड दबेगा और 1 इंची उस साइड, उसके लिए 2 इंची मार्जिन रखेंगे। तो मार्जिन के लिए हमने निशान लगा लिया 2 इंची पर। इस तरीके से इसे रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंची पर हमें निशान लगाना है। ध्यान ले आओ टाइम बताइए, यहाँ पर 2.5 इंची पर हमें निशान लगाना है। तो हमने यहाँ 2.5 इंची पर निशान लगा लिया। यहाँ तक 13 इंची, तो हम 13 इंची का 6.5 लगा लेंगे। 6.5 पर हमने यहाँ निशान लगा लिया। उसके बाद हमें बाजू देखनी है, तो बाजू के लिए हमने 7 इंची लगाना है। तो 7 इंची हम लगा लेंगे यहाँ पर और इस तरीके से और थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करके या फिर इस तरीके से लगा लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ध्यान लिया, यहाँ से घुमा घुमा के थोड़ा सा आधी इंची, मतलब आधी इंची करीब राउंड में सेफ दे देंगे इस तरीके से। और उसके बाद इसकी करेंगे कटिंग। तो चलिए कटिंग करते हैं। अब यहाँ पर डाउट होगा कितना काटा, तो यहाँ पर सिर्फ 1/2 इंची काटा है, इसे भी हटा देंगे। इसके बाद एक पार्ट को हम अलग हटा देंगे। यहाँ से थोड़ा सा और आगे का पार्ट है, इसलिए यहाँ पर 1/2 इंची और एक्स्ट्रा ऐसे निशान लगा के और कट कर देंगे। ये सिर्फ आगे के पार्ट में ही काटना है, पीछे के पार्ट में बिल्कुल नहीं काटना है। उसके बाद यहाँ पर हमने 3 इंची पर निशान लगाया है और इसे इस निशान से राउंड में मिला देंगे। उसके बाद इसे काट देंगे। अब हम यहाँ पर 1/2 इंची, सिर्फ 1/2 इंची पर ऐसे निशान लगाएंगे। उसके बाद 1/2 इंची और है और पूरा काट देंगे 1/2 इंची।
हमारा दो पार्ट हो चुके हैं आगे के, और लेफ्ट और राइट दो पार्ट हो चुके हैं, और ये रहा हमारा पीछे का पार्ट, ये रहा हमारा पीछे पार्ट। अब दोनों पार्ट हमारे कट के तैयार हैं, आई मीन कोटी फुल कटिंग हो चुकी है, सिर्फ कॉलर बचा है। तो कॉलर के लिए अभी हम कटिंग नहीं करेंगे, उसके लिए हम सिर्फ कपड़ा रख लेंगे, कॉलर हम स्टिचिंग करते वक्त ही काटेंगे। तो फ्रेंड हमारी कोटी की कटिंग पूरी हो चुकी है, अब इसकी देख लेते स्टिचिंग। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे, तो बैक पार्ट हमारा ये है, इसमें हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो आगे के पार्ट अटैच करने, इसमें ये रहे आगे के पार्ट, और शोल्डर की साइड शोल्डर रखने हैं इस तरीके से। चलिए पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर तो थोड़ा सा ही लगाना है सिलाई, और यहाँ पर इस तरीके से अराउंड डाउन डाउन करना है नीचे की साइड, क्योंकि शोल्डर अगर यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे तो शोल्डर यहाँ पर डाउन नहीं करेंगे तो यहाँ पर उठे रहेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ डाउन करना है। तो पहले हम इसकी सिलाई लगा लेते हैं, और तो देखिए इसी तरीके से थोड़ा डाउन में लगाना है सिलाई, हमने सिलाई यहाँ पर लगा ली है, देखिए इस तरीके से शेप आएगा, यहाँ पर थोड़ा ऐसा फैला हुआ होगा, यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने थोड़ा ज़्यादा दाब दिया है। हमने दोनों सिलाई लगा ली है, उसके बाद इनको आधा आधा इनको थोड़ा थोड़ा मोड़ के इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा लेनी, यहाँ तक। फ्रेंड हमने ये सिलाई लगा रखी है, यहाँ से ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा आधा इंची हमने मोड़ के इस तरफ सिलाई लगा रखी है। ये हमारा बैक साइड है, बैक साइड ही हमें पलट के सिलाई लगा लेनी है, और ये रहा हमारा फ्रंट। उसके बाद अब हमारा काम है ये वाले शोल्डर, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के यहाँ पर हमें मोड़ कर इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है, इस शेप में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे पहले, इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ के हमें सिलाई लगा लेनी है, और इसी तरीके से हम इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। अब फ्रेंड हम लगाएंगे इसमें कॉलर, तो कॉलर के लिए पहले हम इसे फीते से नापेंगे कितना हमारा कॉलर जा रहा है, उसके लिए यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से हम पहले कॉलर को नापेंगे। तो हमारा कॉलर आ रहा है 13.5 इंची, 13.5 इंची का हम कॉलर पहले बकरम काटेंगे, रुक ले। तो फ्रेंड इसके लिए हमने बकरम थोड़ा सा लिया है, और इसकी लेंथ रखी हमने 14.25 इंची, क्योंकि 13.5 इंची का तो हमारा कॉलर है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हम दोनों साइड दबाएंगे, उसके लिए हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले रखा है, और इसकी चौड़ाई हमने रखी है वो है 2 इंची की, 2 इंची की हमने इसकी चौड़ाई रखी है। इसी में हमें इसे दो पार्ट में कर लेंगे, इसके लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, बीच में निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ से इस तरीके से राउंड में डाउन करना, राउंड में, तो यहाँ डाउन करेंगे पहले, उसके बाद यहाँ से हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने इतना डाउन काट के रखा, अब थोड़ा सा उठाकर हम यहीं से यहाँ तक इस तरीके से काट देंगे, इतना नहीं काटना, थोड़ा कम काटना, इससे ये वाला पीछे वाला पार्ट इससे थोड़ा कम काटना, ये तो हाफ में काटा था, और इससे थोड़ा कम काटना, इस तरीके से शेप आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से मिलाना, इस तरीके से यूँ बनना चाहिए,
इस तरीके से राउंड में हमें कटिंग करनी है कॉलर के शेप में। अब इसकी हम कर लेंगे कटिंग। यह हमारा कॉलर बनके तैयार है। अब इसे हम कपड़े पे स्टिच करेंगे। रोक ले एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसी पर हम इसे रख लेंगे। इस तरीके से रख लेंगे और इस तरफ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काट के हम आधा इंची यहाँ पर काट के इधर ऐसा ही थोड़ा काट लेंगे एक्स्ट्रा, बाद में हटा देंगे। इस पर हम इसे सही से इस तरफ बिठा लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर पहले हम लगाएंगे सिलाई इस तरीके से। यहाँ से इसी तरीके से हमें सिलाई लगानी है और इस तरफ देखिए बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लगानी सिलाई सफाई में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर हमें सिलाई लगानी है। इस पर हल्की हल्की बिल्कुल बहुत ही किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से ला के यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा के हम दिखाते हैं आपको। हमें इस तरीके से मार्किंग इसलिए करनी है क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तब इतना ही दबाएंगे, सिर्फ इतना ही कपड़ा दबाएंगे, इतना ही हमने एक्स्ट्रा लिया है दबाने के लिए। तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं कोटी पर। उल्टी साइड हमें रख लेना है कोटी को। उसके बाद इसी कॉलर को यहाँ से ऐसा रखना है, इस तरीके से यहाँ से रख कर स्टिच करना है। यहाँ से मिला के रख लेंगे और घुमा घुमा के इस तरीके से राउंड शेप में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। पहले रोक लो। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है क्योंकि जो शोल्डर के लिए हमने जो यहाँ पर दाग रखा है उसे यहाँ से थोड़ा ये जो कपड़ा है इसे इस तरीके से हटा देंगे। यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से नहीं करेंगे, इसे थोड़ा दूर इस तरीके से मोड़ लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये यहाँ पर फ्री रहना चाहिए शोल्डर, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा दब जाएगा तो फिर यहाँ पर खींचता रहेगा कपड़ा। इसके लिए यहाँ पर ऐसा सेट करना है पहले से और फिर इसे सिल देना है। तो फ्रेंड इसी तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। देखिए हमने स्टिच कर लिया है कॉलर। अब इसे पलट कर इसे अंदर करके इस तरीके से यहाँ पर हमें सिलाई डाल देनी है। यहाँ पर हम सिलाई डाल देते हैं। रोक लो भैया। तो फ्रेंड हमने कॉलर स्टिच कर दिया है। देखिए इसी तरीके से आपको भी कॉलर स्टिच करना है और यहाँ पर सिलाई नहीं डालनी, यहाँ पर सिलाई
अच्छी नहीं लगती, इसलिए यहाँ पर सिलाई नहीं डालनी है। यहाँ पर हमने नाखून से बिठा दिया था, आपको भी इसी तरीके से करना है और यहाँ पर सिलाई डालनी है। देखिए हमारा कॉलर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम लगा लेते हैं इसकी फिटिंग। इसकी फिटिंग के लिए हमारा जो सीने की चौड़ाई थी वो थी 30 इंची, उसका हाफ हम पीछे के फ्रंट में हम हाफ लगा लेंगे, क्योंकि आगे का तो हमारा आधा इंच पहले से कट चुका है तो वो तो पूरा है नहीं, तो उसके लिए हम पीछे से ही लगा लेंगे। पीछे वाले पार्ट पे हम 15 इंची लगाएंगे, 2 इंची ऊपर 2 इंची ऊपर छोड़ के, यहाँ पर 2 इंची छोड़ कर यहाँ पर नीचे लगाएंगे। और जितना इधर छोड़ा है ये ध्यान रखें, जितना इधर छोड़ा उतना ही इधर छूटना चाहिए। तो यहाँ पर भी उतना ही छूटा है, यहाँ पर जितना उतना ही इधर छूटा है। तो कमर पर था हमारा 27, उसका हाफ होता है 13.5 इंची, तो 13.5 इंची पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे 13.5 इंची हाफ करें यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। हमारे यहाँ पर निशान, यहाँ पर कमर का निशान लग चुका है, और इसे इस तरीके से ड्रॉ करते हुए यहाँ पर मिला देंगे, और थोड़ा यहाँ पर साइड में थोड़ा छोड़कर, वैसे हमारा यहाँ पर मिलता लेकिन हम यहाँ पर मिलाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना 1 इंच। तो चलिए अब हम इसी पर पीछे ये पार्ट रखे और सिलाई मार देंगे। और इसी तरीके से इधर लगा दीजिए स्टॉप। यहाँ से हमें 1 इंची यहाँ से मोड़ना है इस तरीके से, बैक साइड पर हम यहाँ से आधा इंची लेकर यहाँ पे हम मोड़ देंगे और सिलाई डाल देंगे स्टॉप। फ्रेंड ये वाली सिलाई भी हमने डाल रखी है, और ये हमारा सेट होने के बाद इतना गैप आएगा, इसमें हमारी डोरी पड़ेगी, तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर छोटी छोटी लुप्पी बना के लगा लेते हैं यहाँ पर 2-3 स्टॉप। हमें कपड़ा रखना है 1.25 इंची, तो 1.25 इंची हमें यहाँ पर निशान है, 2 इंची नहीं रखना, 1.25 इंची रखना है, और इसे काट लेना है। अब इसे हम यहाँ से सिलाई डाल लेंगे और इसे उल्टा कर लेंगे, ऐसी पट्टी बना लेनी है और 2-2 इंची हमें काट लेना है यहाँ से। क्लियर, हमें 5 इस साइड करनी है और 5 इस साइड लगानी है। यहाँ पर सेट कर लेते पर पट्टियाँ, इस तरीके से सिल के हम लगा के सिलाई लगा लेंगे। बाद में बोल दूँ तो ऐसी है कि वहाँ पर नहीं टाइम पर रुक कर और दिमाग खराब कर दिए।